जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है राहु ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। 18 अगस्त 2017 को राशि परिवर्तन करने वाले राहु सर्वप्रथम चलेंगे आश्लेषा नक्षत्र में। 26 अप्रैल 2018 तक राहु का जो भ्रमण है वो आश्लेषा नक्षत्र में होगा। अप्रोक्सीमेटली 8 महीना और 8 दिन आश्लेषा नक्षत्र में चलने वाले राहु राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के लिए और खास करके जो कोई भी जातक का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है इनके लिए कैसा फल देने वाले होंगे, इसके बारे में है आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि राहु का जो भ्रमण है वो सिंह राशि के लिए 12वें स्थान में होने वाला है। 12वें स्थान में राहु का फल ऐसे भी शुभ नहीं माना गया है। अब जो मघा नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है इनके लिए राहु शत्रु योनि में चलने वाले होंगे। राहु 12वें स्थान के अंदर राशि से और खास करके आश्लेषा नक्षत्र के जो मालिक हैं वो बुध हैं और मघा नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है इनके नक्षत्र मालिक केतु हैं। वैसे बुध और केतु परम मित्र हैं, लेकिन जो कोई भी आश्लेषा नक्षत्र में जो ये राहु चलने वाले हैं इसकी जो योनि है वो मांझर योनि है, यानी कि शत्रु योनि है। ये आपके शत्रु योनि में चलेंगे 12वें स्थान के अंदर, जिसके चलते हुए आपके ये ऋण में वृद्धि करने वाले हो सकते हैं। ऋण में वृद्धि होने का मतलब यह है कि बैंक का कर्जा होने की संभावना है। यदि आप किसी से भी ऋण पे नकद या कुछ भी लेते हैं तो आपके ऋण में वृद्धि होती है, यानी कि आपका डेब्ट बढ़ सकता है। तो बैंक का डेब्ट ना बढ़े या बाहर से किसी का भी पैसा लेने की नौबत आती है तो सोच समझ के आगे बढ़े, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। एब्रॉड रिलेशन या एब्रॉड कनेक्शन से भी आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल सकती है, यानी कि नुकसान होने की संभावना हो सकती है। आंखों का और पैर का आपको विशेष केयर करना होगा। कोर्ट कचहरी इत्यादि कोई कार्य आते हैं तो उसके अंदर आपको लॉसेस आने की संभावना रहती है। वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके एब्रॉड कनेक्शन के साथ कोई भी कार्य कर रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई कार्य ना किया जाए। राहु के अशुभ तत्वों के निवारण के लिए खाने में हरा वाला मूंग तिल और गुड़ का प्रयोग करें। राहु का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं ज्योतिषी विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार, उसके लिए आप हमें अवश्य संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके कोई मित्र हैं सिंह राशि वाले तो वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। फेसबुक, गूगल प्लस, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।